दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम फर्स्ट वनडे मैच जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का पहला वनडे मुकाबला शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस मुकाबले के लिए कहां पर भिड़ेंगी ये दोनों टीमें, कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला और आखिरकार कैसी होंगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सीरीज के इस पहले वनडे मैच को कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की जंग खत्म हो चुकी है। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया है बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए WTC के फाइनल तक की चुनौती दे डाली है। अब लॉर्ड्स के मैदान में कौन जीतेगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि ये दोनों शेर भिड़ने जा रहे हैं 50 ओवर की गेम में। जी हां दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच में बहुत ही जल्द वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है और लगभग 1.5 महीने से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को सफेद जर्सी में देखने के बाद अब तो सब बेहद ही उतावले हैं इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के लिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि WTC यानी कि ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो खेला ही जाना है इस साल, उसके बाद विश्व कप भी होगा 50 ओवर का और ये विश्व कप भारत में खेला जाएगा। मतलब कि उस विश्व कप से पहले ये भारतीय क्रिकेट टीम का कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जो प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें नजर आने वाली है ना, लगभग वही 90% प्लेइंग 11 हमें नजर आएगी विश्व कप में भी। तो विश्व कप के लिहाज से ये सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सीरीज का आगाज 17 मार्च से होने जा रहा है और सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में। इस स्टेडियम का इतिहास तो हम सभी जानते हैं, इसी मैदान पर तो हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था कभी। लेकिन आपको बता दें कि ये छोटा मैदान अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के समर्थन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर कम से कम 100 से 150 के बीच में भी रन बने और हाईएस्ट 438 भी गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों को ये पिच पूरा सपोर्ट करती है। अब फर्क पड़ता है कि आपकी टीम ने परफॉर्मेंस कैसा दिया इस पिच पर। दोस्तों पिच की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, क्योंकि वनडे सीरीज है, वनडे मैचेस हैं, रंगीन जर्सियां हैं, तो खिलाड़ी भी नए आ चुके हैं और पूरी तरीके से प्लेइंग 11 बदल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी नजर आ सकती है, कौन कौन से नए चेहरे ज्यादातर तौर पर इस टीम में दिखेंगे, चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दोस्तों कंगारुओं के पास फिलहाल पैट कमिंस तो है नहीं, इसीलिए वनडे की कमान भी एक लंबे अरसे के बाद स्टीव स्मिथ के हाथों में दी गई है। अब स्टीव स्मिथ के अलावा इस टीम में हमें उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर जैसी शक्लें तो दिखेंगी, लेकिन उसके साथ साथ एलेक्स कैरी, क्लिन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड और एसन एगर से लेकर मार्कस टोइनिस जैसे खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तूफानी खिलाड़ी और एक बेहद ही मशहूर बैट्समैन मिशेल मार्श भी स्क्वाड में अगर आ गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का बल्लेबाजी क्रम तो पूरी तरीके से ताकतवर हो जाएगा। और अगर इनके तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर भी वनडे में भारत के सामने मिशेल स्टार्क एक लंबे अरसे के बाद नजर आएंगे तो वो भी घातक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी जरूर है, लेकिन एक नजर चलिए भारतीय क्रिकेट टीम पर भी डालते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है तो कोई मजाक तो हो नहीं सकता, इसीलिए किसी मुख्य खिलाड़ी को आराम देना बिल्कुल गलत होगा। रोहित शर्मा टीम की कमान को संभालेंगे, लेकिन उनके साथ ओपन इस बार केएल राहुल नहीं बल्कि शुभमन गिल करते नजर आएंगे। दोस्तों शुभमन गिल की फॉर्म और उनका बल्ला ही बोल रहा है, उनके बारे में बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा। इस खिलाड़ी के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि ये अगले भारत के सुपरस्टार हैं और अगर ये रोहित के साथ खेलते हैं तो विश्व कप के लिए हमें एक तैयार सलामी जोड़ी मिलेगी नए रूप की। मिडिल ऑर्डर पर एक नजर डालें तो दोस्तों वहां पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के साथ साथ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। अब दोस्तों ईशान किशन और केएल राहुल में कौन होना चाहिए इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। तो वहीं ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो दोस्तों इस बार ऑलराउंडर्स की लिस्ट भी लंबी है। एक वक्त पर हमारी टीम ऑलराउंडर्स के लिए तरस रही थी खिलाड़ियों की इंजरी के चलते, तो इस बार पांड्या और जड्डू की जोड़ी वापस से आ चुकी है तो इन दोनों को तो टीम से बाहर करने की कोई सेंस तक नहीं बनती। अगर स्पिनर गेंदबाज की बात करी जाए दोस्तों तो वो कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल हो सकते हैं और अगर रोहित ने मन बना लिया कि 3 ऑलराउंडर खिलाने हैं तो वॉशिंगटन सुंदर भी कम नहीं और तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी मोहम्मद शमी व सिराज के हाथों में। हालांकि दोस्तों इमरान मलिक भी टीम का हिस्सा है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है और हमें वर्ल्ड कप की टीम तैयार करनी है, इसीलिए शमी और सिराज का फॉर्म में बरकरार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और पांड्या भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी तो कराएंगे ही। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है दोनों ही टीमों को देखकर कौन ज्यादा बेहतर है और कौन पहले वनडे मैच में बाजी मारेगा, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।